हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आइए तो एक और नई रेसिपी के साथ बढ़ते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इधर ले लिया एक कप घी। ड्राई फ्रूट ले लेंगे, जो आप लोग के पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। किशमिश भी ले सकते हैं, पिस्ता भी ले सकते हैं। मेरे पास जो थे वो मैंने ले लिए हैं। सो इनको हल्का सा भून लेंगे, कलर बस हल्का सा चेंज करेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इनको निकाल के साइड में हम रख देंगे। इसी सेम घी में हम एक कप ले लेंगे सूजी, ठीक है। एक कप सूजी ले लेंगे, सूजी को अच्छे से भून लेंगे। सूजी का अच्छे से कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए दोस्तों। लाइट नहीं भूनना है उसको, अच्छे से भूनना है। लो फ्लेम पे भूनिएगा ताकि सूजी हमारी कलर अच्छा आएगा तो हलवा भी अच्छा बनेगा। इस तरह से धीमे धीमे हम भून लेंगे। इधर सूजी भुन रही है, तब तक हम इधर इसकी मीठे पानी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के मतलब मीठा कैसे होगा हलवा, तो इधर एक कढ़ाई ले लिए, इसमें 2 कप पानी, 1 कप चीनी मैंने ले लिए। सेम वही कप है जिससे हमने सूजी ली थी, उसी सेम कप से 1 कप चीनी, 2 कप पानी और 3 इलायची हमने इसमें तोड़ के डाल दिए हैं। इधर हमारी सूजी भुन रही है। अगर मेरे चैनल पे दोस्तों नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दी गई हुई बेल आइकन की बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये देखिए, इधर मैंने हल्का सा कलर चुटकी भर डाल दिया था, लेमन कलर। आप लोगों के पास अगर कलर अवेलेबल ना हो, केसर के धागे हों, तो आप केसर भी यूज़ कर सकते हैं। कलर नहीं भी डालें तब भी चलेगा, लेकिन वीडियो में अच्छा लगता है। और पहले लोग कहते हैं ना, पहले आँखों से खाते हैं तब टेस्ट करते हैं, बच्चे पहले देखते हैं, पसंद करते हैं, हाँ चीज़ अच्छी लग रही है, खाने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तब खाते हैं। तो इस तरह से अगर हमारी आँखों को अच्छा लगेगा तो स्वाद भी अच्छा आता है। तो इस तरह से इसको भून लेंगे और जो मीठा पानी हमने बनाया था ना, उसको थोड़ा थोड़ा सर्विंग स्पून से थोड़ा थोड़ा हम लोग डाल देंगे, ठीक है। एक साथ ना डालिएगा दोस्तों, जलने का डर है, क्योंकि ये भी कढ़ाई गर्म है, पानी भी गर्म था हमारा, तो ऊपर आने का डर है। तो इसलिए थोड़ा संभल के धीरे से सारा डाल देंगे। और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, आप लो कर सकते हैं, बंद कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, फिर आप फ्लेम ऑन कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। सूजी का कलर देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन। इस तरह से भूनिएगा, कलर जब तक नहीं आएगा तो हलवा भी अच्छा नहीं बनेगा। और ये देखिए, पानी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया हमारी सूजी ने। अभी जितना पानी बचा है वो भी सूख जाएगा, मतलब अब्जॉर्ब कर लेगी सूजी। और ध्यान रखिएगा, 1 कप सूजी, 2 कप पानी और 1 कप चीनी, ठीक है। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो, मैंने सूजी का हलवा आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने बेसन का भी हलवा शेयर किया है, तो प्लीज़ खड़ा प्रसाद भी शेयर किया है। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पे जाना हो, देखना हो, तो पीछे भी वीडियो मेरी देख सकते हैं जाके। सो अगर मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये देखिए, मैंने सर्व कर लिया, आइए टेस्ट कर लीजिए। सूजी मोटी हो या महीन हो, जैसी भी हो, हलवा सभी में टेस्टी बनता है, लेकिन उसको भून लें, ठीक है। भूनने के बाद सूजी का हलवा और टेस्टी लगता है, गोल्डन ब्राउन है। देखिए कलर भी अच्छा आया है, कलर तो मैंने डाला है इसलिए आया, लेकिन जब सूजी भुन जाएगी तो कलर भी ऐसा ही आएगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों।